नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम सिंगल प्लेट क्लच के बारे में जानकारी लेंगे। पहले समझेंगे क्लच का पोजीशन किधर होता है। यहाँ पे आपके सामने एटम बॉल का जनरल लेआउट है। जनरल लेआउट में हमने इंजन और जब जो भी मेन कंपोनेंट है वो दिखाए गए है। यहाँ पे ये जो पार्ट है वो इंजन है, उसके बाद येलो कलर का जो है वो क्लच है, उसके बाद यह गियर बॉक्स है। डिफरेंशियल गियर बॉक्स को जाते हुए ये प्रोपेलर शाफ्ट है और यहाँ पे डिफरेंशियल गियर बॉक्स है। यहाँ पे रियर एक्सल और व्हील है। यहाँ पे क्लच है और ये क्लच इंजन से पावर लेके गियर बॉक्स को देगा। तो मतलब क्लच का इनपुट शाफ्ट जो है वो इंजन से आएगा और आउटपुट शाफ्ट जाएगा गियर बॉक्स को। तो क्लच का मेन फंक्शन है पावर एंगेज और डिसएंगेज करना। मतलब पावर डिसएंगेज मतलब क्या है कि जब मैं क्लच डिसएंगेज पोजीशन को रखूंगा तो पावर इंजन से तो आएगी लेकिन गियर बॉक्स को नहीं जाएगी। पावर सिर्फ इंजन से आएगी और क्लच में आएगी, लेकिन क्लच डिसएंगेज है इसका मतलब पावर आगे नहीं जाएगी। जब मैं क्लच एंगेज रखता हूँ तो पावर इंजन से आएगी, क्लच पावर लेगा और वो ट्रांसफर करेगा गियर बॉक्स को, गियर बॉक्स से आगे पावर ट्रांसमिट होगी। तो क्लच एंगेज और डिसएंगेज ऐसे दो पोजीशन में रहेगी। अब ये एंगेज कब रहेगा, जनरल पोजीशन क्लच का एंगेज रहता है। मतलब जब मैं क्लच पेडल प्रेस नहीं करता हूँ तो वो एंगेज पोजीशन रहेगी। एंगेज पोजीशन रहेगी मतलब जो पावर इंजन में तैयार हुई है वो ट्रांसफर होगी आगे। जब मैं क्लच पेडल प्रेस करता हूँ या क्लच लीवर प्रेस करता हूँ तो ये क्लच डिसएंगेज होगा। डिसएंगेज होगा मतलब पावर इंजन से आके क्लच में ही रुकेगी, क्लच से आगे नहीं जाएगी। तो ये हो गई पोजीशन क्लच की और आज हम सिंगल प्लेट क्लच के बारे में जानकारी लेंगे। तो आपके सामने सिंगल प्लेट क्लच की फिगर है। हमें पहले कंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इसका। तो अभी जैसे मैंने बताया, यह जो है वो इनपुट शाफ्ट है क्लच का और यह जो है आउटपुट शाफ्ट है। इनपुट शाफ्ट जो है वो इंजन से आया है तो उसको इंजन शाफ्ट भी बोल सकते हैं, और जो आउटपुट शाफ्ट है उसको क्लच शाफ्ट भी बोल सकते हैं। तो ये जो इनपुट शाफ्ट है वो फ्लाईव्हील को कनेक्टेड है। हैचिंग पार्ट जो दिखाया गया है वो फ्लाईव्हील है। तो फ्लाईव्हील यहाँ पे क्लच का ही एक इंटरनल पार्ट है। तो फ्लाईव्हील आपको मालूम है फ्लाईव्हील का उपयोग क्या है, कि फ्लाईव्हील हम एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज करते हैं और जब भी मुझे एनर्जी चाहिए तो उसे रिलीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लाईव्हील है। फ्लाईव्हील के बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वो है क्लच प्लेट। अभी इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ये जो हैचिंग पार्ट आप देख रहे हैं वो हैचिंग पार्ट है मेटल पार्ट। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, यहाँ यह जो है वो है मेटल का पार्ट और ये जो डॉटेड पार्ट आप देख रहे हैं वो है फ्रिक्शन मटेरियल। मतलब यह मेटल प्लेट पे फ्रिक्शन मटेरियल अटैच किया गया है फर्मली। फर्मली मतलब रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा फ्रिक्शन मटेरियल और प्लेट में। इस प्लेट को सेंट्रली आप यहां देखेंगे, सेंट्रली इंटरनल स्प्लाइन होल है। इंटरनल स्प्लाइन होल मतलब इंटरनली गियर्ड होल है और यह जो इंटरनल गियर्ड होल है वो एक्सटर्नल स्प्लाइन शाफ्ट पे मेश है। ये जो शाफ्ट है वो एक्सटर्नल स्प्लाइन शाफ्ट है। अभी ये शाफ्ट मतलब यह आउटपुट शाफ्ट है जो कि यहां से पास होके यहां आया है। तो आउटपुट शाफ्ट पे स्प्लाइन गियर्ड है और उस गियर पे हमने क्लच प्लेट बिठाया है। तो अभी यहाँ पे हम इंटरनल स्प्लाइन और एक्सटर्नल स्प्लाइन यूज कर रहे हैं। इसका उपयोग क्या है कि यहाँ पे रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं है लेकिन हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन अलाउड है। रोटरी रिलेटिव मोशन अलाउड नहीं का मतलब क्या है कि जब यह क्लच प्लेट रोटेट होगी तो ये शाफ्ट को रोटेट होना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल गियर और इंटरनल गियर है, और वाइस वर्सा जब शाफ्ट रोटेट हो रहा है तो क्लच प्लेट को भी रोटेट होना पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन नहीं रहेगी बल्कि ये हॉरिजॉन्टली मूव हो सकता है। मतलब यह जो क्लच प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और राइट मूव हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल रिलेटिव मोशन अलाउड है यहाँ पे। तो अभी इसका डिटेल अंडरस्टैंडिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो है यह फ्रिक्शन मटेरियल है। ये एक्चुअल फोटोग्राफ ऑफ क्लच है। यह फ्रिक्शन मटेरियल है, फ्रिक्शन मटेरियल अटैच किया गया है मेटालिक पार्ट पे। यह मेटालिक पार्ट है और यह जो है आप सेंट्रली देख रहे हैं, यहाँ पे सेंट्रली स्प्लाइंड होल है। तो इस होल में हमने ये शाफ्ट बिठाया है, ये शाफ्ट बिठाया है और यह जो फ्रिक्शन मटेरियल है यहाँ पे जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है वह है। तो आपको रिलेट करना पड़ेगा ये फिगर और इस फिगर पे। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो पार्ट है इसका, ये प्रेशर प्लेट है। यहाँ पे प्रेशर प्लेट आप देख रहे हैं,
यह प्रेशर प्लेट यहां से शुरू होके सेंट्रल को आएगी और यहां से शुरू होके सेंट्रल को आएगी, तो सेंट्रली इस प्रेशर प्लेट को होल रहेगा, उस होल से आउटपुट शाफ्ट पास होगा और क्लच प्लेट को अटैच होगा। तो इस प्रेशर प्लेट के ऊपर यहां पे एक्सटेंशन पोर्शन है, उसको हम कॉलर बोलते हैं, और कॉलर क्लच पैडल के कॉन्टैक्ट में है। इस प्रेशर प्लेट पे स्प्रिंग फोर्स एक्ट होगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग दिखाया गया है। यहाँ पे फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट पे पास होते हुए एक बोल्ट है और बोल्ट पे ही यहाँ पे स्प्रिंग अटैच है। तो ये स्प्रिंग क्या करेगी, कंटिन्यूसली लेफ्ट का फोर्स देगी, लेफ्ट का फोर्स देगी मतलब इस डायरेक्शन में वो कंटिन्यूसली फोर्स देगी। तो स्प्रिंग का फोर्स आ जाएगा प्रेशर प्लेट पे, प्रेशर प्लेट का फोर्स आ जाएगा फ्रिक्शन मटेरियल पे, और यह प्रेशर दूसरे फ्रिक्शन मटेरियल पे ही उसके बाद वो फ्लाईव्हील पे को भी एक्ट होगा। तो यहां से ट्रांसफर होके प्रेशर क्लच प्लेट को जाएगा, क्लच प्लेट को जाके फिर फ्लाईव्हील पे आ जाएगा। तो यहां पे यह प्रेशर प्लेट कंटिन्यूसली प्रेशर देगी क्लच प्लेट पे। अभी जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्लच पैडल। उसके पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि तीन डायग्राम है। यहाँ पे यह जो फ्लाईव्हील है मतलब यह हैचिंग पार्ट है, ये जो पार्ट दिखाया गया है वो फ्लाईव्हील है। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो क्लच डिस्क है, तो यहाँ पे वो ये जो पार्ट आपने देखा वो है क्लच डिस्क, और तीसरा पार्ट यहाँ पे जो दिखाया गया है वो है प्रेशर प्लेट, और यहाँ से सेंट्रली पास होके शाफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। आपको मैं दूसरी एक फिगर दिखाऊंगा, यहाँ पे मोर क्लियर होगा। यह फ्लाईव्हील है, यहाँ पे क्लच प्लेट है, और यहाँ पे प्रेशर प्लेट है, और यहाँ आउटपुट शाफ्ट है। आउटपुट शाफ्ट आप देखेंगे कि एक्सटर्नल स्प्लाइंस भी अवेलेबल है। अगर मैं आउटपुट शाफ्ट यहाँ से पास करूंगा, मतलब ये शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट मतलब यह शाफ्ट है, यहाँ से पास करूंगा तो ये जो स्प्लाइन है वो यहाँ पे मेश होगी, यहाँ पे इंटरनल स्प्लाइन होल है, यहाँ से मेश होगी, और जब ये क्लच प्लेट रोटेट होगा तो ये शाफ्ट को भी रोटेट होना पड़ेगा, और शाफ्ट जब रोटेट होगा तो क्लच प्लेट को भी रोटेट होना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है क्लच पैडल। क्लच पैडल जो कि हम ऑपरेट करते हैं एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए। तो क्लच पैडल ऑपरेट करने के लिए मुझे यहां पे फोर्स देना पड़ेगा ऐसा, तो ये ऑपरेट होगा। तो क्लच पैडल एक सॉलिड पार्ट है, यहां से स्टार्ट होके वो नीचे आया है, और यहां पे फल्क्रम पिन पे ये बिठाया गया है, मतलब अबाउट फल्क्रम पिन ये घूम सकता है। जब मैं फोर्स दूंगा तो ये घूमेगा अबाउट फल्क्रम पिन। जब मुझे क्लच प्लेट डिसएंगेज करने का है तो यहां पे फोर्स दूंगा, यहां फोर्स देने के बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है फल्क्रम पिन के ऊपर वाला पार्ट वो मूव होगा लेफ्ट साइड को, क्योंकि ये फल्क्रम पिन पे पिवोटेड है इसलिए वो लेफ्ट को मूव होगा। और जब ऊपर का पार्ट लेफ्ट को मूव होगा तो डाउन साइड वाला पार्ट वो राइट को मूव होगा। तो डाउन साइड पे यहां पे एक रोलर है जो कि कॉलर पे कॉन्टेक्ट है, तो जब मैं यहां पे फोर्स दूंगा तो यह पार्ट लेफ्ट को जाएगा और यह पार्ट राइट को जाएगा, और जब ये राइट को जा रहा है तो कॉलर को भी राइट को फोर्स देगा। तो जब यह पार्ट राइट को मूव होगा कॉलर को लेके, तो प्रेशर प्लेट, कंप्लीट प्रेशर प्लेट भी राइट को मूव होगी अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग तो लेफ्ट को फोर्स दे रही है, लेकिन जब मैं यहां पे ज्यादा फोर्स दूंगा, स्प्रिंग फोर्स से भी ज्यादा फोर्स दूंगा, तो प्रेशर प्लेट राइट को मूव होगी और यहां पे जो प्रेशर है वो हटेगा। तो जब मैं क्लच पैडल पे फोर्स दूंगा तो प्रेशर प्लेट राइट को मूव होगी, जब मैं रिलीज करूंगा क्लच पैडल रिलीज करूंगा तो यहां पे अपोजिट मोशन आएगी, मतलब पहले वो लेफ्ट को मूव रहा था, अभी यह राइट को जाएगा और नीचे वाला पार्ट लेफ्ट को आएगा। तो इसके कारण क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स और एक बार यहां पे फोर्स देगा। तो ये तो था हमारा कंस्ट्रक्शन, अभी अंडरस्टैंड करेंगे वर्किंग। तो वर्किंग अंडरस्टैंड करने के लिए कंस्ट्रक्शन क्लियर होना बहुत जरूरी है, और हो सकता है तो पहले आप कंस्ट्रक्शन को लेके क्लियर हो जाइए, वर्किंग बहुत इजी है इसका। तो चलो देखेंगे वर्किंग। अभी जो पोजीशन दिखाई गई है वो है एंगेज पोजीशन, क्लच की एंगेज पोजीशन। क्लच की एंगेज पोजीशन मतलब क्या है कि यहां पे दिखा है कि क्लच की एंगेज पोजीशन मतलब इंजन से पावर स्टार्ट होके रियर व्हील को जाएगी, वो है एंगेज पोजीशन। तो एंगेज पोजीशन में मैं क्लच पैडल पे कोई भी फोर्स नहीं दूंगा और ये करंट पोजीशन पे ही रहेगी क्लच प्लेट। तो पावर तो आएगी इंजन शाफ्ट से होके फ्लाईव्हील को, फ्लाईव्हील के बाद वो जाएगी क्लच प्लेट को। अभी यहां पे फ्लाईव्हील कॉन्टैक्ट है फ्रिक्शन मटेरियल से, तो यहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, यहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा, और फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण
यहाँ पे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जनरेट होने के कारण ये जो भी पावर फ्लाईव्हील को है वो फ्रिक्शन मटेरियल को दी जाएगी, फ्रिक्शन मटेरियल के बाद वो दी जाएगी मेटालिक पार्ट, क्लच प्लेट का मेटालिक पार्ट, और मेटालिक पार्ट से सेंट्रल को आएगी, सेंट्रल को आने के बाद वो जाएगी स्प्लाइन शाफ्ट को, और स्प्लाइन शाफ्ट से जाएगी आउटपुट को। तो पावर यहाँ पे इंजिन से आके फ्रिक्शन मटेरियल के बाद क्लच प्लेट के बाद वो जाएगी आउटपुट को। तो अगर मैं पावर ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ऐसी आएगी, और उसके बाद फ्लाईव्हील से होके क्लच प्लेट को जाके फिर स्प्लाइन शाफ्ट से बाहर जाएगा, तो ये शाफ्ट रोटेट होगा। तो ये हो गई एंगेज पोजीशन। अभी डिसएंगेज पोजीशन क्या है, तो डिसएंगेज पोजीशन में हम क्लच पेडल पे फोर्स देंगे, तो यहां पे हम फोर्स दे रहे हैं, यहां पे फोर्स देने के बाद यह पार्ट लेफ्ट को मूव हो गया और ये जो पार्ट है वो राइट को मूव हो गया। ये जो पार्ट राइट को मूव हो जाएगा तो कॉलर को लेके और प्रेशर प्लेट को लेके राइट को मूव हो जाएगा। तो जब प्रेशर प्लेट राइट को मूव होगी तो ये अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स मूव होगी, और जब अगेंस्ट स्प्रिंग फोर्स हो गई तो जो भी प्रेशर अभी प्रेशर प्लेट पे था या फ्लाईव्हील पे था वो रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होने के कारण यहाँ पे गैप तैयार होगा। मतलब यह जो कॉन्टैक्ट में है तो इसमें फ्रिक्शन मटेरियल और प्रेशर प्लेट में गैप तैयार होगा, और फ्रिक्शन मटेरियल और फ्लाईव्हील में गैप तैयार होगा। तो इस गैप के कारण अभी कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गया है, तो इस गैप के कारण फ्लाईव्हील रोटेट हो रहा है लेकिन क्लच प्लेट रोटेट नहीं होगा, और क्लच प्लेट रोटेट नहीं होने के कारण शाफ्ट भी नहीं रोटेट होगा और हमें आउटपुट पावर नहीं मिलेगी। तो जब मैं यहाँ पे फोर्स दूंगा तो यहाँ पे गैप क्रिएट होगा, और गैप क्रिएट होने की वजह से मुझे आउटपुट पावर नहीं मिलेगी। जब मुझे एंगेज करने का है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो फोर्स हमने लगाया है वो रिमूव करना पड़ेगा। जब मैं फोर्स रिमूव करूंगा तो क्या होगा, अपोजिट मोशन, मतलब जब ये लेफ्ट को जा रहा था अभी वो जाएगा राइट को, और राइट को क्यों जाएगा, क्योंकि ये स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे है, स्प्रिंग फोर्स कंटिन्यूअसली फोर्स दे रही है प्रेशर प्लेट पे, और उसके कारण ये जो है क्लच पैडल अपोजिट को जाएगा और एंगेज पोजिशन होगी। तो हम क्लच पैडल ऑपरेट करके एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं।